Now we are going to discuss chemical species, and in chemical species first we are going to discuss about ions. बेटा जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम कहते हैं आयन। तो आयन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। द चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा दो तरह के आयन्स होते हैं, एक कैटाइन्स और एक एनाइन्स। वो एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कैटाइन। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स की, कि कैटाइन्स बनते कैसे हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है अपने आउटर मोस्ट शेल से, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कैटाइन बन जाता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में सेम होते हैं। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मींस वो नेगेटिव चार्ज लूज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे उसमें और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल एटम पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव एटम को हम कहते हैं कैटाइन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सारे पॉजिटिव आयन्स हैं, तो इनको हम कह सकते हैं ये सारे कैट आयन्स हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हाइड्रोजन क्या बन जाता है? एच पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन। इसी तरह सोडियम के पास टोटल 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और लास्ट आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो उस एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करता है तो वो सोडियम एटम से सोडियम कैटाइन बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम। कैल्शियम के पास टोटल 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में आते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आते हैं। तो जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, एक शेल के फिर आगे सब शेल होते हैं एस पी डी एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इस तरह उन 10 में से 2 एस में आ जाते हैं, 6 पी में आ जाते हैं, तो जो बाकी 2 बचते हैं वो डी में आते हैं। तो इस तरह उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ करता है, तो कैल्शियम फिर कैल्शियम केटाइन बन जाता है। क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनाइन। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसे कहते हैं एनाइन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ एनाइन्स आर फॉर्म्ड। तो एनाइन कैसे बनते हैं? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिवली चार्ज एटम को हम कहते हैं एनाइन्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन आयन या और ऑक्साइड आयन। तो क्लोरीन जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्लोराइड आयन बना देगा। इसी तरह ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब भी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम लूज करेगा वो ऑक्साइड आयन और एनाइन बना देगा। अब हम बात करते हैं एटम और आयन में क्या डिफरेंस है। एटम किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जबकि आयन किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और एटम्स केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, जबकि आयन्स कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये अपोजिटली चार्ज आयन के साथ घिरे हुए होते हैं। जैसे कि जहाँ भी पॉजिटिव आयन होगा वहाँ उसके आसपास नेगेटिव आयन ज़रूर होगा। एटम जो हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि आयन्स पे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।